लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यमुनानगर के रादौर में विजय संकल्प रैली संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। सुबह करीब 11 बजे रैली का आयोजन होगा। प्रत्याशी नवीन जिंदल के समर्थन में रैली करते हुए नजर आएंगे, वोट की अपील करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि नवीन जिंदल के रंगते हुए नजर आएंगे। सुबह करीब 11 बजे रैली का आयोजन होगा, जिसमें संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। प्रत्याशी नवीन जिंदल के समर्थन में रैली करेंगे, जनता से वोट की यहां पर अपील भी करते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। यमुनानगर के रादौर में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सुबह 11 बजे का वो समय होगा जब मुख्यमंत्री रैली को संबोधित करेंगे। प्रत्याशी नवीन जिंदल के पक्ष में रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री यहां पर रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आज मुख्यमंत्री रादौर में रैली करेंगे, जनता से वोट की यहां पर अपील करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ अपडेट रैली को लेकर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जिस प्रकार से 25 मई से जो है हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, उसी के मद्देनजर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है प्रत्येक जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें विजय संकल्प रैलियों का आयोजन कर जो उनके उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में अपना रैली कर रही है। और इसी कड़ी में आज रादौर के जो निर्माणाधीन खेल स्टेडियम है नगर पालिका का, उसमें आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विशाल जो रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी वो बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे, और जो कुरुक्षेत्र लोकसभा से उम्मीदवार है नवीन जिंदल उनके समर्थन में लोगों से वोट की अपील करेंगे। कि कल हमारी बात जो है पूर्व राज्य मंत्री जो करणदेव कांबोज है उनसे हुई थी रैली को लेकर, तो उनका ये साफ कहना था कि रैली को लेकर स्थानीय जो लोग हैं जो ग्रामीण हैं उनके अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उनका ये भी कहना था कि लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि लोग इस रैली में भाग लेने के लिए जो है वो ढोल नगाड़ों के साथ शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो रैली होगी ये अब तक की जो भीड़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक रैली उन्होंने दावा किया कि ये जो रैली है वो ऐतिहासिक रैली होगी। अब देखना ये होगा कि जो रैली होगी उस पर किस प्रकार की भीड़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी जिता पाती है। जी कुलदीप, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की वहां पर की गई है रादौर में? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की अगर दृष्टि से अगर बात की जाए तो कल जो है जिला पुलिस अधीक्षक जो है उन्होंने भी मौके का मुआयना कर जो है बीकानेर जो है स्थानीय जो पुलिस है उसको भी दिए थे कि ताकि किसी भी प्रकार की जो सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखी जाए तो कोई चूक न हो। बहुत शुक्रिया कुलदीप सैनी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 11 बजे विजय संकल्प रैली को लेकर का आयोजन किया जाएगा, और इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि यहां पर यमुनानगर के रादौर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। 11 बजे संबोधित करते हुए नजर आएंगे। प्रत्याशी नवीन जिंदल के पक्ष में यहां पर वोट का अपील करते हुए नजर आएंगे।